इंतजार। बॉलीवुड डेलस बॉलीवुड परफॉर्मर सॉरी बॉलीवुड से मैं शुरू हो गया। डेलस बॉलीवुड परफॉर्मर्स के सारे सुनने वालों और चाहने वालों को मेरा आदाब और मेरा नमस्कार। तो आए हैं हम आज, यू नो हर महीने आते हैं वैसे तो स्वाति, लेकिन आज मुझे तो ऐसा लगता है आप यही रहते क्योंकि आपके सारे कपड़े भी बाहर टंगे होते हैं। तो नहीं तो मैं क्या करूं, अब 13 कपड़े पहन के आऊं एक एक करके उतार के गाना गाऊं। आपकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ आज ना बहुत ही पावन माहौल होने वाला है और शुरुआत भी ऐसे होने वाली है ना, एक खूबसूरत से भजन के साथ, और गाने वाले भी ताबड़तोड़ सिंगर है। बिल्कुल वहां तक तो चलेंगे, लेकिन पहले ये बता दें अपने सुनने वालों को कि क्या हमारी थीम क्या है आज। आज हम डेडिकेट कर रहे हैं ये पूरी शाम मोहम्मद रफी साहब के नाम। जी हाँ, तो रफ़ी साहब के यू नो ये इनकी आदत है, अक्सर हमारा जो राउंड्स हैं वो सोलंकी साहब ही शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा हो गया ना, एक रिचुअल सा बन गया है कि शुरुआत एकदम महान सिंगर से करें और फिर धीरे 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 यू नो हम सब भी महान की श्रेणी में आते चले जाएं, तो कुछ ऐसा होता है। थोड़ा थोड़ा असर इनका हम पर भी हो जाए, लेकिन बेहतरीन चीज़ ये है कि ये ऐसा नहीं वार्म अप वाला कोई मजाक नहीं रखते, ये साथ ही धमाके के साथ तैयारी करते हैं। ये पूरे समय वार्म ही रहते हैं, पैदा ही वार्म हुए थे। सो गाना है ओ दुनिया के रखवाले, 1953 की फिल्म बैजू बावरा से। And this Dollywood performer जो हमारे हैं, इनको कौन कौन हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्या हमारे लिए लेकर आ रहे हैं, वो सभी तो बता दें। जरा मुस्कुराइए। Smiles of Irving। Yes। जी हाँ। Smiles of Irving है हमारे स्पॉन्सर, और उसके अलावा Fine Art Studio। अगर आर्ट चाहते हैं हम लोग भी, एक हमारे अंदर भी जो है वो भी एक कला ही है, गाने की कला। ऐसे ही अगर आप पेंटिंग चाहते हैं और ड्रॉइंग चाहते हैं तो निशु सिन्हा को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी खूबसूरती से मुतमईन नहीं हैं, मुतमईन का मतलब होता है सैटिस्फाइड। अच्छा हुआ, मुझे पूरे साल लग जाएंगे बोलने में, कोई बात सिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तन में अगर गहने सजाने हैं तो तन्मय ज्वेलर्स जाइए और जरूर 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 चेकआउट कीजिए उनके ब्यूटीफुल कलेक्शन। एब्सोल्युटली, सो थैंक यू टू ऑल द स्पॉन्सर्स हु मेक दिस हैपन। थैंक यू मनोज पाधी साहिब, हमारे एडमिन हु मेक्स इट ऑल हैपन एंड होस्ट्स अस, एंड ऑफ कोर्स हमारी एडमिना, हमारे एडमिन और एडमिना ब्यूटीफुल सिंगर्स and all the singers, the live audience, everybody. So you're in for a treat. This is going to be a wonderful evening because it's dedicated to none other than the greatest singer that Bollywood has ever seen, Mohammad Rafi Sahib. और अब मुझे लगता है इनके फेफड़े में काफी हवा भर चुकी है, तो आइए आइए गाना गाइए। शकील बदायूनी की लिखाई और नौशाद अली साहिब की मौसीकी। आइए मनोज। भगवान ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले, सुन दर्द भरे मेरे नाले,
सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागिन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे, ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले हो दुनिया के रखवाले। को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढू उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा, भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाम में पड़ गए छाले हो दुनिया के रखवाले। महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप है दीवारे, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारे, हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले हो दुनिया के रखवाले। सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले 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 रखवाले। थैंक यू। नीचे ट्रैक में लिखा है जय रफी साहब। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है सोलंकी जी। जब आपकी आप ऐसा शुरुआत करते हैं ना, आप एक बार सेट कर देते हैं जिसको हर कोई चाहता है कि वो उसे रीच करे। क्या बात है, थैंक यू सो मच, यू आर द इंस्पिरेशन, थैंक यू। तो नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे सुब्बू जी। सुब्बू जी का गाना कुछ ऐसा है कि रुख से जरा नकाब हटा दे, रुख से जरा, ये सबके सिंगिंग में से नकाब हटाते हैं अभी अभी, किसके रुख से नकाब हटाने वाले, आई डोंट नो, देखना तो पड़ेगा कि सुब्बू जी किसके रुख से नकाब हटा रहे हैं। नेक्स्ट परफॉर्मेंस है, आई होप आपको पहली हमारी ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी होगी। एंड स्पॉन्सर्ड बाय तन्मय ज्वेलर्स, सेली रेकी ऑफ अरविंग एंड फाइन रॉक्स आर्ट स्टूडियो। नेक्स्ट कमिंग अप नेक्स्ट इज सुब्बू जी, रुख से जरा नकाब हटा दे। हसरत जयपुरी की लिखावट है और शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक है और ऑफ कोर्स जो आवाज है वो रफी साहब की है। सुब्बू जी आपके बिना मुझे सुना लग रहा है ये नहीं, मैंने कहा आपका गाना है रुख से जरा नकाब हटा दे। शुक्रिया, आप सबके सिंगिंग में से नकाब हटाते हैं, अब आज आप किसके रुख से नकाब हटा रहे हैं वो भी जरा बता दीजिए। थैंक यू सो मच रफी साहब, पहले तो उनके लिए माफी मांगना पड़ता है कि उनके गाने को हम परसों मतलब 31 जुलाई को हिंदुस्तान में, कल उनकी 43rd, 43 साल हो गए हमसे जुदा हुए। कमी खलती है, कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन रफी साहब ना सिर्फ यादें छोड़ गए हैं, गाने छोड़ गए हैं,
और बहुत सारी चीजें हैं, बल्कि हम सबके लिए इंस्पिरेशन भी है कि हम उन्हें सीख कर, उन्हें सुनकर कुछ सीख सकें। जरूर। तो आज जो मैं आपके सामने गाने पेश करूंगा उनमें से प्योर रोमांटिक गाना भी है और एक गाना ऐसा है जो विच इज लाइटर देन फेदर और उसके बोल भी कुछ ऐसे ही हैं, कुछ चुलबुले गाने हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए होगा, थोड़ा सा। जो यहां बैठे हैं वो वीडियो भी देख सकते हैं। अपने रुख पर निगाह करने दो, रूप सूरत गुनाह करने दो, रुख से पर्दा हटाओ जाने दो, आज दिल को तबाह करने दो, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार
Subbu, as always, very, very impressive work. A difficult song. बहुत सारी उसमें हरकतें और मुड़कियाँ थी. ये अभी थोड़ी देर पहले पीछे हमारे ऑडियंस मेंबर्स बैठे हुए कह रहे थे कि ये रफ़ी साहब की शाम है, तो बहुत हरकतें, बहुत मुड़कियाँ होंगी. हर गाने में यकीनन होंगी, इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा हैं. बट यू डिड अ ग्रेट जॉब ऑफ स्टिकिंग टू एवरी सिंगल वन ऑफ देम. एब्सोल्युटली वंडरफुली डन. एक बार फिर से, यहाँ तो जितने भी लोग हैं उन्हें मालूम है, लेकिन हमारे ऑनलाइन ऑडियंस जो हैं, ऑनलाइन ऑडियंस जो हैं, अगर वो सुन रहे हों, यहाँ नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, ऑनलाइन ऑडियंस जो सुन रहे हों, उनको बता दूं कि सुबह हमेशा बगैर लिरिक्स के गाना गाते हैं. ये भी उन्होंने बगैर लिरिक्स के गाया, बल्कि वीडियो में सिर्फ एक्चुअल मूवी का वीडियो था. एंड उसमें जब भी यू नो इट कट्स अवे फ्रॉम जितेंद्र, वो माला सिन्हा को दिखा रहे होते हैं बीच में, बट एवरी टाइम वी वेंट बैक टू जितेंद्र, सुबह जी के अल्फाज एब्सोल्युटली उसी जगह थे जहाँ पर जितेंद्र साहब के लब हिल रहे थे. So very, very well done, Subbu. Excellent. Next, we're going to go to 1969. Oh. Are we taking a break? Okay. हाँ, तो अगली बारी जूली की है. जूली का साथ देने के लिए मनोज आ रहे हैं. ये 1969 की बहुत सुपरहिट फिल्म आराधना आई थी, जिसमें सचिन देव बर्मन का म्यूजिक था और साथ में उनके आनंद बख्शी की लिखाई थी. दिस मूवी हैड अ वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल साउंड ट्रैक. तीन गाने इसमें किशोरदा को मिले थे, दो गाने रफ़ी साहब को मिले थे, तीन गाने लता जी को, एक गाना है जो आशा जी को मिला था. इस गाने में आशा जी, होल्ड ऑन, डिड यू गाइस स्विच? ओके, सॉरी अबाउट दैट. Never mind, this is one of the Asha ji wala dusra hai. This is Lata ji and Rafi sahib singing Gun Guna Rahe Hain Bhavre, Khil Rahi Hai Kali Kali. Aayye Manoj aur Juli. I thought it was. Yeah. Sorry, yahan pe galat likha hua hai. Asha ji ko yahi ek gana mila tha. Mujhe apne dimaag par dhyan yakeen rakhna chahiye bajaye iske ke samne jo likha ho. Asha ji aur Rafi sahib ne ye gana gaya hua hai. Gun Guna Rahe Hain Bhavre, Khil Rahi Hai Kali Kali. Aayye. Thanks, Rizwan. Thank you, Rizwan. गुनगुना रहे हैं बार, खिल रहे हैं कल कली. गुनगुना रहे हैं बार, खिल रहे हैं कल कली. कल कली, कल कली. गुनगुना रहे हैं बार, खिल रहे हैं कल कली. कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए. हाय जरा देखो सजन, बेईमान भंवरा कैसे मुस्काए. हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए. हाय रुत ऐसी, हाय कैसी, ये पवन चली गली गली. गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल कली कली, कली कली, कली कली. गुनगुना रहे बार, खिल रहे हैं कली कली. किसी को क्या कहे, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए. खोए हो क्या ओए ओए, जागे जिया में अरमान सोए. सोए किसी को क्या कहे, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए. खोए हो क्या ओए
अमृत ऐसी है कैसी, ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भार खिल रही है कली कली गली गली, ओ गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली। सुनो पास ना कली के बहाने प्यार ना जताओ, जाओ चलो बात ना बनाओ भौर के बहाने आंख ना लड़ाओ, जाओ सुनो बसना कली के बहाने प्यार ना जताओ, जाओ चलो बात ना बनाओ भौर के बहाने आंख ना लड़ाओ, जाओ रुत ऐसी आए कैसी, ये पवन चले गली गली, गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भौर खिल रही हैं कली कली गली गली कली कली गली गली कली कली गली गली कली कली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वंडरफुल सिंगिंग वंडरफुल सिंगिंग। एडमिन और एडमिनी दोनों ने तो कमाल ही कर दिया, इनकी जोड़ी तो ऊपर से बन के आई है, यहाँ भी जोड़ी बनती रहती है। बहुत ही खूबसूरत सिंगिंग, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे यहाँ पर ब्यूटीफुल सिंगर हैं, इन सबको भी मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमिंग अप नेक्स्ट इज संजना, जिसकी आवाज़ में है कंगना नहीं खनखना, आई मीन संजना की आवाज़ में आपको बताना चाहूँगी, जैसे आप मोती का जो माला होता है ना, जब उसे तोड़कर बिखेरते हैं आप, तो एक एक जो मोती का कण होता है वो अलग अलग दाने की तरह बिखर जाता है, राइट। या जैसे चावल के दाने होते हैं, जब आप उसे यू नो ऐसे अगर वो गिर जाता है तो एक एक दाने अलग अलग से दिखाई देते हैं, वैसे ही संजना की आवाज़ है, इतनी क्रिस्टल क्लियर आवाज़ है, कोई हरकत भी अगर ये लेती हैं तो इतनी सफाई से लेती हैं कि ये इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए भी कि कैसे हरकत लेनी चाहिए, कैसे आवाज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए। ब्यूटीफुल सिंगर संजना, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, क्या बात है, कितनी खूबसूरत आंखें भी हैं इनकी, और जितनी अच्छी आंखें हैं उतना ही अच्छा दिल भी है, खूबसूरत चिराग जो है, डीवीपी का चिराग है, मूवी का नाम भी चिराग है, और अब गाने वाली है तेरी आंखों के सिवा। थैंक यू इतनी तारीफ के लिए, थैंक यू थैंक यू। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों
जल्दी से संजना होल्ड ऑन. यू नो पिछले महीने मैंने आपको कहा था कि मुझे डर लगता है उस दिन से जब मैं मुझे आदत हो जाए आपके गाने सुनने की कि आपकी महानता जो है योर सिंगिंग के आई गेट यूज्ड टू इट एंड आई स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट एज जस्ट एवरी अदर यू नो जस्ट नॉर्मल. तो यू डिड समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. ये अक्सर मनोज कहते हैं कि ये थीम जब हो किसी एक मेल सिंगर की, फीमेल्स भी उनके गाने गा सकते हैं, फीमेल सिंगर हो मेल्स भी उनके गाने गा सकते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज द स्टाइल इज स्लाइटली डिफरेंट व्हेन यू चेंज द जेंडर. यू डिड एन अमेजिंग जॉब ऑफ सिंगिंग दिस इन मोहम्मद रफ़ी स्टाइल. एब्सोल्युटली जो हरकतें जो मुर्कियाँ थी उसमें ब्यूटिफुली डन. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रियली बिग थैंक यू. नॉट इन द मूवी. मूवी में नहीं. आई थिंक मूवी में लता जी का है. Okay. Well, this didn't sound like Lata to me. This sounded like Rafi. I'll listen to the Lata version. Okay. Yeah. I could tell. So I'll check it out. All right. Next up, Swati aane lagi hai. 1980 ki film hai. Aap to aise na the. One of my favorite music director. मैं नहीं change हुआ. मैं अभी तक वैसे. नहीं आप चूहे ने. Change पहले गाने के बाद होगा. तो वन ऑफ माय फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स उषा खन्ना ने म्यूजिक दिया था इसमें. हाँ ये गाना तीन मुख्तलिफ सिंगर्स ने फिल्म में गाया है. एक्चुअली आई थिंक इट माइट बी फोर बट राइट नाउ आई थिंक स्वाति इज गोना सिंग द चौथी मुख्तलिफ सिंगर. हाँ ये चौथी वर्जन स्वाति देने लगी है. तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है. आई तू इस तरह
यू नाइसली डन स्वाति. अभी यहीं रहें, आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगला गाना मनोज साहब का है. साथ उनका आपको ही देना पड़ेगा. नहीं, हमने स्विच किया. सो फर्स्ट है संजना के साथ आ रहे हैं, साथिया नहीं जाना. ओके, तो मैं भी किसी को बता देना चाहिए. कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी, ये मैं करने वाली थी. मैं आज सारी गलतियां अपने पे लेती हूँ. एनीवेज, हाँ मैं बहुत तीन अंतरे थे यार, क्या बात कर रहे हो. रिजवान, चूहे ने आपको को कुदर लिया है, माना मैंने, पर इसमें इतना गुस्सा आप मुझ पे उतार रहे हैं. नहीं नहीं, मैं गुस्सा उतारने की बात नहीं, लेकिन किसका गाना है बताइए. तो साथिया नहीं जाना, संजना दे रही है साथ, मनोज एडमिन साहब का. अच्छा, गाना बारी होने की है. We just switched the song. Got it. Okay. Alright, आइए संजना और मनोज. संजना कम से कम आप तो आइए ताकि मनोज जी कह सके साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे. अभी आने की बात करें, अभी जाने की बात ना करें. आजो संजना. थैंक यू अगेन टू आवर ऑनलाइन लिसनर्स जो हमेशा ट्यून इन करते हैं हमें सुनने के लिए. टुनाइट डेल्स बॉलीवुड परफॉर्मर्स आर मेकिंग दिस ट्रिब्यूट टू द ग्रेट मोहम्मद रफी साहब. आइए मनोज. साथिया 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 नहीं जाना कि जीना लगे. साथिया नहीं जाना कि जीना लगे. मौसम है सुहाना कि जीना लगे. साथिया नहीं जाना कि जीना लगे. साथिया मैंने माना कि जीना लगे. जी को था समझाना कि जीना लगे. साथिया नहीं जाना कि जीना लगे. जाके फिर आओगी, आके फिर जाओगी, आने जाने में जवानी डल जाए ना. ओ छोड़ो आना जाना के जीना लगे. साथिया नहीं जाना के जीना लगे. साथिया मैंने माना के जीना लगे. जी का बुरा हाल है जब से जी लगाया, तुझे जी में बसाया तेरे हो लिए. जी का था ख्याल तो काहे जी लगाया, मुझे जी में बसाया ए जी बोलिए. हाँ अब काहे पछताना के जी ना लगे. साथिया नहीं जाना के जीना लगे.
छोड़ो भी ना सोनियों जग से डरते हो जग खुद डरता है दिल वालों से ओ छोड़ो ये बहाना मौसम है सुहाना कि जीना लगे साथियाँ नहीं जाना कि जीना लगे साथियाँ नहीं जाना कि जीना लगे थैंक यू गाइस ब्यूटीफुल सॉन्ग वेरी वेरी वेल डन लव्ड इट नेक्स्ट कैलाश की बारी आने लगी है साथ उनका देने के लिए आएंगी स्वागतिका मेरे ख्याल में आज पहली बार आप सुन रहे हैं उन्हें बहुत बहुत मशहूर फिल्म है बहुत मशहूर फिल्म है कश्मीर की कली 1964 की फिल्म एस एच बिहारी की लिखाई और ओमकार प्रसाद नैयर का म्यूजिक है इसमें बहुत बहुत प्यारा गीत है ये रफी साहेब और आशा जी का गाया हुआ इशारों इशारों में दिल लेने वाले आइए कैलाश और स्वैग थैंक्स हाँ
निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहां से। तुम एक हो हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलशिता से। कमाल की सिंगिंग हो रही है आज, या तो रफी साहब की आत्मा आ गई है सबके अंदर, और बहुत ही कमाल की सिंगिंग, वेरी 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 नाइस सिंगिंग। प्लीज एक बार क्लैप हो जाए यार, प्लीज यार, एक ही इंसान, ये लोग सुन ही नहीं रहे, मैंने तालियां बजाने के लिए कहा है। ओके नाउ अब नेक्स्ट आ रहे हैं थम्पी और रिजवान। तो अभी देखा ना आप लोगों ने, एक कैसा एक बार सेट हो गया, अभी देखना धीरे से ये लोग प्यार से उस बार को ना आराम से रेस कर जाएंगे। थम्पी लेकर आते हैं, हम आपकी आंखों में कुछ ऐसा कुछ है ना, दिल को छुपा लेंगे। आइए आइए आइए, प्यासा, ये तो प्यासे होते ही हैं यहाँ पर, माइक के प्यासे होते हैं। मैंने इनको नहीं बोला रिजवान आ रहे, लेकिन फिर भी आ गया, माइक के प्यासे। मैं समझा था जब आपने कहा आ जाइए, उसका मतलब था कि आ जाइए। हाँ, जैसा इन्होंने कहा, फिल्म है प्यासा, दादा बर्मन एस टी बर्मन साहब की मौसीकी है इसमें, और साहिर लुधियानवी की लिखाई, बहुत बहुत प्यारा गीत है। फिल्म प्यासा से रफ़ी साहब और गीता दत्त ने ओरिजिनली गाया हुआ है। सो थैंक यू थम्पी फॉर एस्किंग मी टू जॉइन यू ऑन दिस वन। हम आपकी आंखों में, इस दिल को
बसा दे तो हम नींद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो कमिंग अप नेक्स्ट इज स्मिता. वैसे थम्पी और रिजवान क्या परफॉर्मेंस दिया है. और थम्पी की आवाज़ ना वो जो लता मंगेशकर जी की जो थोड़ी उनकी 50s में जो आवाज़ हो गई थी ना बहुत. तो कौन गीता दत्त ने गाया हुआ है. अच्छा लेकिन आपकी आवाज़ तो लता जी जैसी लगती है. तो ऐसा लगता है कि ना लता जी की आवाज़ नहीं ये गीता दत्त जी की आवाज़ लेकिन उनकी आवाज़ वैसी लगती है बिल्कुल. नेक्स्ट इज वो है जरा खफा खफा लेकर आ रही है स्मिता. और स्मिता मैं देखती हूँ कि आप कैसे मनाएंगी अगर आपसे कोई खफा हो जाता है. बाय द वे आज ये खुद खफा हैं और स्मिता एंसेड लेकर आ रहे हैं वो है जरा फिल्म शागिर लक्ष्मीकांत पेरेलाल का म्यूजिक. आइए लता जी एंड रफी जी की आवाज. थैंक यू सो मच. थैंक यू रिजवान. थैंक यू सोटी. चेक Thank you.
वो हंस के यूं बुलाए हैं के हो This is a song that gets sung quite a bit, and this is definitely one of the better versions that I've heard of this song from Shagird Lakshmikant Perlal ke music ke saath. Wo hain zara khafa khafa.
नेक्स्ट अप वी आर गोना गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड 1952 की फिल्म बैजू बावरा नौशाद का म्यूजिक है और शकील बदायूनी के अल्फाज हैं तो सिद आने लगे हैं आपने पहले सोलंकी की आवाज में इस फिल्म से एक गीत सुना था तो अब मन तड़पत हरी सिद गाने के लिए आने लगे हैं तो आइए सिद और सुनाइए हमें ये गीत बेस्ट गिफ्ट फॉर पापा मम्मी सारेगामा कारवा थैंक यू हरिओ 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 मन तरपत हरिधर शन को आज मन तरपत हरिधर शन को आज मोरे तुम बिन बिगरे सगर काज ओ बिनती करत रखियो लाज मन तरपत हरिधर शन को आज तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी काबाज तर पत हरि दर शन को आज मन तर पत हरि दर शन को आज बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ दीजो दान हरि राज तर पत हरि दर शन को आज मन तर पत हरि दर शन को आज मुरली मनोहर आसन तोड़ो हो दुख बंजन मोर साथ न छोड़ो मोहे दर्शन भिक्षा दे दो मोहे दर्शन भिक्षा दे दो आज Hey
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम थैंक यू Wonderful singing, Siddharth. Wow, sit. क्या बात है? जितनी तारीफ करे उतनी कम है. एक तो भजन में अपने आप में ही इतना सुकून होता है. आज हाँ, अगर रफी साहब सुन रहे होते तो कहते कि ये द बेस्ट था. किसी का गाना, मतलब मेरा गाना किसी ने गाया तो ये बेस्ट था. बहुत ही पीसफुल और बहुत उमदा सिंगिंग. कमिंग अप नेक्स्ट इज स्वागतिका. स्वागतिका, आप बहुत ही प्यारा वादे तो वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं, जब टूट जाते हैं तो बहुत चुभन होती है. तो वादा अगर आप किसी से करें तो उसे तोड़े ना, ये इस बात का ध्यान तो रखा ही जा सकता है. और इतना ये प्यारा सा वादा और इसकी झलकियां दिखाने के लिए आ रही हैं स्वागतिका. और ये जो मूवी है कारवां, साथ में आ रहे हैं कैलाश जी. कैलाश जी, आज तो आप इधर ही रुक जाइए. तो आइए. थैंक यू स्वाति. सोनिए मासुतिया कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का. इस मस्ती में सूझे ना, क्या कर डालू हाथ मोहे संभाल. ओ साथिया ओ बेलिया, जितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आँखों का. इस मस्ती में सूझे ना, क्या कर डालूँ हाँ मोहे प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का. इस मस्ती में सूझे ना, क्या कर डालू हाथ मोहे संभाल.
कितना प्यारा वादा है, हिम्मत वाली आंखों का इस मस्ती में सुझे ना, क्या कर डालू मुझे समा गाइस, स्वागत है गौर कैलाश, वेल डन फिल्म कारवान से ये गाना गा रहे थे। और नेक्स्ट चलेंगे 1968 की फिल्म की तरफ। गौतमी आने लगी हैं, उनका साथ देने के लिए सैमी आएंगे। और गाना बहुत खूबसूरत गाना है, हसीना मान जाएगी फिल्म 1968, कल्याण जी आनंद जी की लिखाई है, सॉरी लिखाई कह रहा हूँ, कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी है। सॉरी मैं ढूंढ रहा था इनको, नो 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 आपने पूरी बात नहीं सुनी, अगले गीत की बात कर रहा हूँ, हसीना मान जाएगी। सो मैं एक दरख्वास्त करूंगा सामईन से, बल्कि सामईन नहीं, सारे जो एक्चुअली सिंगर्स भी यहाँ पर हैं, जब लोग गा रहे होते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि खामोशी से बैठ के सुनिए। अगेन द कर्टसी दैट यू वांट एक्सटेंडेड टू यू व्हेन यू आर सिंगिंग, यू वांट टू एक्सटेंड टू अदर्स व्हेन दे आर सिंगिंग। सो खाना वाना चलता रहता है, लेकिन जब म्यूजिक चल रहा हो तो कोशिश करनी चाहिए कि बैठ के खामोशी से सुने उन्हें। तो बहरहाल हसीना मान जाएगी से गाने के लिए गौतमी आ रही हैं, साथ में उनका सैमी देंगे ये खूबसूरत गीत, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। आइए। थैंक यू रिजवान। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास खुदी में स
सनम उठ गए जो कदम। जितनी बुझाई उतनी जली है। दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है। साथ हम जो चले मिट गए फासले आ गए। खुदी में सनम उठ गए जो कदम। खोई नजर थी सोए नजारे देखा तुम्हें तो जागे ये सारे। दिल ने किए जो दिल को इशारे मिल के चले हम साथ तुम्हारे। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे तेरा नाम मन मिला प्यार मेरा खिला। सनम उठ गए जो कदम। जाएंगे दिल की हद है जहां तक। तुम साथ तो चले हम आसमां तक। दिल में अरमान लिए लाख तूफान लिए आ गए पास हम आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। वाह इतनी बारीकी से गाए कि एंड में वो धीरे करती हैं बेखुदी को। आप लोगों ने वो भी किया, क्या कमाल की सिंगिंग है यार, बेहतरीन, वेरी 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 नाइस। आज तो कुछ अलग ही बात है आज की इस महफिल में। डैलस बॉलीवुड परफॉर्मर्स परफॉर्म कर रहे हैं एक के बाद एक, आप एंजॉय कर रहे हैं रफ़ी जी के सॉन्ग्स, ट्रिब्यूट टू रफ़ी जी। एंड रफ़ी जी को जितना याद किया जाए उतना कम है, बेहतरीन सिंगिंग। नेक्स्ट कमिंग अप नेक्स्ट इज रिजवान। रिजवान के साथ आ रही है संजना। और जब तक बैठने को ना कहा जाए तब तक बैठना नहीं, ऐसा कुछ एंग्री यंग मैन वाला था ना, ऐसा ही लुक बना कर आ रहे हैं। ओ भाई साहब रिजवान आइए। जब तक बैठने को ना कहा जाए तब तक नहीं बैठने वाली बात जो जंजीर मूवी में थी ना, क्या था जन जन ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे पाप का, बताओ बोलो। आई हैव नो आईडिया क्या कहना चाह रहे हैं, खड़े रहो। क्या मूवी का नाम? ओह जंजीर, जंजीर। ओके हो नहीं रहा था। ओके मैं ना जकड़ गई थी उसमें से। मैंने कहा जन 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 क्या होता है, जनम जनम का साथ है। तक गाने को ना कहा जाए गाइएगा मत, बिल्कुल नहीं है ना, मैं खामोशी से। एक्चुअली गाना फौरन शुरू हो जाएगा।
Thank you, Sanjana, for singing this with me. अपने अरमानों की बेताब गली खिल जाए दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए जवानी में जवानी के सहारे हो जवा मेरे मेहरबा मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए हम सफर चाहिए दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए सर पे हमारे खुला आसमां है सर पे हमारे खुला आसमां हमारे लिए तो यही आशियां बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं जहाँ प्यार है हर खुशी है वही हो फूलो भरी चाहे चाहे कांटो भरी हाँ कांटो भरी चले जिस पे तू वो डगर चाहिए दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए निगाहों में ऐसे इशारे हुए इशारे हुए निगाहों में ऐसे इशारे हुए इशारे हुए ए दिल ने कहा हम तुम्हारे हुए तुम्हारे हुए नजर बन गई है ज़बां प्यार में नजर बन गई है ज़बां प्यार में मजा आ गया जीत का हार में मिलेगा वो ही मांगोगे जो दिलदार से मगर प्यार से दुआओं में अपनी असर चाहिए दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए जवानी में जवानी के सहारे हो जवा मेरे मेहरबा मुझे तू ही तू हम सफर चाहिए हम सफर चाहिए Thank you very much, Sanjana. Thank you so much. Excellently done. Thank you. Yeah, he's playing the harmonium.
थैंक यू गुड जॉब गाइस, वाह एंग्री यंग मैन की तरह तो नहीं गाया, अच्छे से सुरीला गाया आपने, वो अमिताभ पर नहीं था ना फिल्माया हुआ इसलिए। ओके, तो अब नेक्स्ट आ रहे हैं सैमी जी विद गौतमी जी और कह रहे ये पर्दा हटा दो, लेकिन इसमें एक चीज समझ नहीं आई, एक फूल दो माली, ओ मैडम दूसरा माली किधर है? वो खेती कर रहा है। खेती कर रहा है। ओके, तो दूसरा माली, या तो बहुत सारे दूसरे माली है, एक माली तो ये है, तो फूल जो है वो गौतमी जी हैं और उनके दो माली हैं। तो बहुत ही अच्छा गाना है और मुझे पता है सैमी जी आप जबरदस्ती ऐसे डर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही अच्छा गाने वाले हैं, रॉक करने वाले हैं। मैं बहुत डरता हूं, उनका नाम से ही डर लगता है मेरे। नहीं, ऑल द बेस्ट, की बात नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, एंजॉय। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नन्ना मेरे पीछे पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना ऐ दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना ऐ दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। ये बिजली गिरी तो तुम्ही पे गिरेगी, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नन्ना मेरे पीछे नाना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। जहाँ मिले तो जवान नजर होती टकरार वही है, दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। जहाँ मिले तो जवान नजर होती टकरार वही है,
दिल पर रख कर हाथ ये कह दो हमसे प्यार नहीं है। दिल की बातें दिल वाली नजरों से ही पहचान दे। दिल की बातें दिल वाली नजरों से ही पहचान दे। लेकिन कुछ ऐसे नाड़ी जो ये बिना जान दे। ये पहले बताते बारात लेके आते हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो। थैंक यू थैंक यू। Lovely, lovely song. Very, very well done. Mere khayal mein, that concludes the first round, but we're going to roll right into the second round. Daawat dunga Manoj Solanki ko yahan par aane ki. Ye Manoj Solanki lagta hai. Are we good? Yeah? Okay. All right. So lagta hai ki ye Rafi Sahib ka tribute by Dallas Bollywood Performers jo chal raha hai. The other one. जी थैंक यू। जी आज सुबह जब मैं जगा तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है। तो ये मेरे ख्याल में सोलंकी साहब का जी नहीं चाह रहा कि 1950s से निकले। नहीं, मुझे भी थम्पी ले गई थी 1950s में प्यासा एक्चुअली। लेकिन आप तो भाग के जेल तोड़ के बाहर आ गए तो मैं नहीं रह सकता वहाँ पे। पूरा हुलिया बदल लिया है। यू नो 50s में खुद है लेकिन 50s में जाना नहीं चाहते ऐसा कहते हैं। नहीं तो मुझे अपने गाने के लिए 70s में आना पड़ा था इसलिए फिलहाल आ रहे हैं मनोज सोलंकी। एक सेकंड पहले मैं हमारे ना जो नए लिसनर्स जुड़े हैं उनका नाम मतलब उनको मैं ऑडियंस कहना चाहिए उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अंशुल मुंजाल जी जो यहाँ पर है थैंक यू सो मच अंशुल फॉर ज्वाइनिंग। एश पॉल एंड शीतल आपकी बड़ी जरूरत है बाहर बहुत गर्मी हो रही है। वैसे तो लड़कियाँ हॉट सुनना पसंद करती लेकिन आप शीतल है यार। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जब भी आप आती है ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ है और जो हमें ध्यान से सुन रहा है। हम सब थोड़े से भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं बट आप बैठी होती हैं और प्यार से सबका गाना सुनती हैं। थैंक यू सो मच। So thank you to everybody. Thank you Swati for remembering to thank our wonderful, wonderful Manoji audience. Manoji सोचते हैं कि हमें इन्हें कितना खड़ा रखा भर गया फेफड़े में श्वास। इन्होंने मुझे सिखाया स्वाति फेफड़े में श्वास भरा करो फिर तुम क्या गाना अच्छा गाओगी। तो इनको मैं मौका देती हूँ कि फेफड़े में जितना श्वास भर ले जितना भरना है। आइए बसंत पहार से ये गाना गाने के लिए। दुनिया ना भाए मोहे दुनिया
लभाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया लभाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों में दुनिया लभाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया लभाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों में संग सहारे मेरे गीत मेरे संग सहारे, कोई ना मेरा संसार में, कोई ना मेरा संसार में, दिल के ये टुकड़े कैसे बेच दूं दुनिया के बाजार में, दुनिया के बाजार में, मन के ये मोती रखियो तू संभाले, मन के ये मोती रखियो तू संभाले, चरणों में तेरे चरणों में सात सुरों के सातों सागर, सात सुरों के सातों सागर, मन की उमंगों से जागे, मन की उमंगों से जागे, तू ही बता तेरी ये बिना अब तेरे हवाले, तेरी ये बिना अब तेरे हवाले, चरणों में तेरे चरणों में तुझे कोई सुख न दिया, तूने दया लुटाई दोनों हाथों से, मैंने तुझे कोई सुख न दिया, तूने दया लुटाई दोनों हाथों से, तेरे प्यार की याद जो आए, तेरे प्यार की याद जो आए, दर्द छलक जाए आँखों से, दर्द छलक जाए आँखों से, जीना नहीं आया मोहे अब तो छुपा ले, जीना नहीं आया मोहे अब तो छुपा, चरणों में तेरे चरणों में दुनिया लभाए मोहे अब तो बुला ले, दुनिया लभाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों
थैंक यू सोलंकी। पहला गाना आपने गाया था और स्वाति ने कहा था कि आपने बार इतनी ऊंची सेट कर दी है कि उससे ऊपर ऊपर तो छोड़े उसके करीब भी कोई नहीं पहुंच सकेगा। यू एक्सीडेड इट योरसेल्फ। दिस सॉन्ग अमेजिंगली डन, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तालियां भरपूर होनी चाहिए। थैंक यू। वाह, ये शिलेंद्र साहब की लिखाई थी। हाँ, और मैं ये एक बात कहूँ, आपने गाने में तो कहा लेकिन हम सबकी दुआ है खुदा से है सोलंकी, हम सबकी खुदा से दुआ है कि वो ना बुलाएं आपको, वो ना उठाएं आपको, हम आपके चरणों में बैठ के आपको गाता सुनते रहें। बहुत बहुत खूब गाया यार, क्या बात है, मजा आ गया। एब्सोल्युटली, लाइक दिस इज एन इनसेन। यस एब्सोल्युटली। तो अब मैं, मेरे ख्याल में सोलंकी की तारीफ इतनी की कि मैं ऑलमोस्ट भूल गया था अगले गाने के लिए, लेकिन सुबह जी आ रहे हैं। 1970 की फिल्म है दस्तक, मदन मोहन की लिखाई है और सर मैं हमेशा लिखाई कहता हूँ यार, मजरूह सुल्तानपुरी साहब के कलम से ये अल्फाज लिखे गए हैं। मदन मोहन ने मौसीकी दी थी इसमें। और जी हाँ, मैं एक्चुअली ना सोया हुआ हूँ और थका भी बहुत ज़्यादा हुआ हूँ। 13 मील की पहाड़ी चढ़ के आया हूँ, लेकिन फिर भी इतनी चाह है यहाँ पर आप लोगों के पास आकर आप लोगों को सुनने की कि वहाँ से पहाड़ी से भागा भागा सीधा यहाँ पे आया हूँ। तो फिल्म दस्तक से सुनाने के लिए ये बहुत, दिस इज अ वेरी, मैं एक बार फिर से दरख्वास्त करूंगा सब लोगों से कि प्लीज यहाँ पर आकर खामोशी से बैठकर जरा सुने। बहुत ही नाजुक गीत है ये, रफी साहब ने क्या नजाकत से गाया है इसको। तुमसे कहूं एक बात, आइए सुबह या रिजवान, जैसे मैंने कहा था पहले कि दिस सॉन्ग इज लाइटर देन फेदर, इस गाने के बोल भी हैं परों से हल्के, तो हो सकता है सुनाई ना दे, हो सकता है मुझे सुनाने दे खुद की आवाज। इट्स अ वेरी सॉफ्ट एंड अ वेरी स्लो नंबर।
धुंधली धुंधली है मिलन का बिस्तर जैसे धुंधली धुंधली है मिलन का बिस्तर जैसे खुलता छुपता चांद सेज के ऊपर जैसे चलती फिरती खाट हवाओं पर बादल की तुमसे कहूँ एक बात परोसे Madan Mohan's finest compositions. One of them. Hai bhi kaisa jism tumhara पास एक शब्द है अगर यहाँ पर बैठे हर किसी को ना मेरी बात से एतबार होगा तो ताली जरूर बजाएगा ऐसा लग रहा था अभी मेरे को बोलने तो सर जी माना कि मैं अच्छा बोलती हूँ लेकिन जैसे कश्मीर में आप जा रहे हो बोट पर राइट दिन में नहीं शाम को मतलब बिल्कुल आसमान बिल्कुल नीला है और कुछ नहीं और ये गाना चल रहा है सुब्बू जी गा रहे हैं और हर कोई ना सारा दुनिया की सारी चीज़ें छोड़कर एकदम टेंशन कहीं एक तरफ रख के इस गाने को एंजॉय करते हुए जाओगे इतना पीस आपने इस गाने को जो चुना है ना उसमें इतना सुकून था यहाँ कोई भी बात नहीं कर रहा यूजुअली कोई कितना भी अच्छा गाता है लेकिन हर कोई यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात कर रहा होता पर आपके गाने में ना सुब्बू जी सब शांत होते ऐसे ही नहीं आप महागुरु हैं यार ये सीरियसली में ना बिल्कुल पीसफुली कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो गाना सुनते हुए जाओ ले सर ताली बजा दो बस छोड़ो ताली बजा दो ओके कमिंग अप नेक्स्ट इज कौन आने वाला था यार देखो इतना मैं तो कल में पढ़ रही थी इनकी तारीफ है कि ये भूल गई कौन आने वाला था ओके मीर मुझे याद आ गया मैं इनके लिए भी बहुत सारा पूरा स्टेज टाइम लेने वाली हूँ अच्छा थोड़ी देर पहले ना मैं संजना की तारीफों के कल में पढ़ रही थी तो जुली आई मुझे कहती अच्छा एडमिन मैं हूँ तू उसकी तारीफ कर रही ये सब हुआ इसी टोन में उन्होंने बोला तो मैंने सोचा यार हमेशा मैं कहती हूँ कि हम ना गाजर ना मूली ओनली जुली तो इनको पसंद नहीं आता तो मैं सोचती हूँ कि ना हल्की फुल्की ना मामूली ये है बड़ी स्पेशल सी हमारी जुली अब इस पे तो ताली बजा दो यार अब कोई गाजर मूली नहीं ना हल्की ना मामूली ये है जुली अरे आओ भाई अच्छा मामूली नहीं है ना तो अब थोड़ा आराम से आएंगी थोड़ा फिटेज खा के यू नो आई देखो मुझे माइक दिया गया है और ऐसा कहा कि जब तक कोई आए नहीं तब तक एंगेज रखो थैंक यू सो मच बकवास करने के पैसे मिलते हैं
मिल गई दुनिया प्यार की माना हो गए तुम मेरे अपने फिर भी ये सवाल दिल में ये ख्याल ना हो ये कहीं दूर के सपने हो ये अब की बार क्या हुआ दिल का करार क्या हुआ तुम पे तो हम मरने से हैं अभी से जाने हमारा आगे क्या होगा आई आई छोड़ो जान जान तुम भी हो कहाँ घबराते नहीं हम जमाने से देखो तो इधर किसका है जिगर उलझे आपके इस दीवाने से हो उलझे हजार क्या हुआ ये मेरे प्यार क्या हुआ अपनी खुशी होगी ये जिंदगी होगी इसके सिवा और आगे क्या होगा वाओ ये आरडी बर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी की जोड़ी से हटकर एक्सेलेंटली डन सो ये मजरूह साहब और आरडी बर्मन की जोड़ी से उठकर चलेंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यू नो अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कि आज की शाम लग रही है कि बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक का कॉन्सर्ट है लेकिन ये पिछला गाना और ये अगला गाना जो आने लगा है बिल्कुल माहौल बदल दिया है वापस बॉलीवुड स्टाइल के गाने आने लगे हैं तो ये सुना आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसी की अब सुनेंगे इस गीत में फिल्म है आन मिलो सजना और उसका टाइटल गीत गाने के लिए आ रहे हैं संजना और सिद्ध आन मिलो सजना अब आन मिलो संजना